शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं तभी डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि ये वीडियो किसी के भी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं बट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई जा रही है, और साथ ही वार्निंग भी दे देते हैं ताकि तुम्हें कोई उड़ती चपले और डंडे ना पड़े। अपने अपने हेडफोन डाल लो, हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लो और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भैया उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों ने अपने अपने हेडफोन डाल लिए होंगे। जहाँ तक जिन्होंने स्टोरी देखी बढ़िया, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं एक बार रिकैप बोल देता हूँ। तो हमने करवाया था दो फैमिली में राड़ा, हमने करी थी चोरी और उसके बाद फिर हम ब्लैक वाटर से स्किप हो गए थे, फिर भगते भगते चले गए और ऐसे ऐसे राड़े छोटे मोटे करवाते गए। उसके बाद हमने करी एक चोरी जिसमें हमारा अंकल होजे के लौड़े लग गए, मतलब RIP इन पीस हो गए। फिर हुआ था अपना जैक चोरी जिसको अंकल ब्रूटो के घर पे निकला था, वो उसी समय हुआ था जब हमारी फैमिली वाला मैटर हुआ था, दो फैमिलियों के प्रेम का था। तुम्हें पता ही है यार, वही एज यूजुअल प्रॉब्लम, दुश्मन की लड़की दुश्मन का बेटा, एक दूसरे से प्यार प्यार। जैक को नया बाप मिल गया था तो उसके नजायज बाप को उसके रियल बाप ने मार दिया। होती है उस रॉबरी एक SD में, और जो उस रॉबरी में से हम लोग भागे थे, हम लोग एक तूफान में फंस गए और करते कराते हम लोग लैंड अप ऑन अ बीच। आर्थर को आता है होश, आर्थर अपने होश संभाल के गिरता लटकता पटकता अपने आप को लेके जाता है अपने दोस्तों को ढूंढने की तलाश में, जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता उसको। बट थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसे डच दिखता है और डच इज लाइक मिरेकल, सभी लोग उसके पास आते हैं एंड डच इज लाइक ठीक कहा। एनीवेज बैठ के डच के साथ चिल कर रहा होता है हमारा लौंडा आर्थर, और उसके बाद वो पूछता है कि अबे दागड़ बिल्ले हमें कहाँ उठा के लेके आया है। तो वो बोलता है कि भाई हम लोग कहीं गुरहम करके एक आइलैंड है उस पे हैं जहाँ पे बहुत सारा प्लांटेशन होता है चीनी का, और ओल्ड शुगर की प्लांटेशन है, ये है चीनी खाते हैं। और फिर इस पे हमारा आर्थर पूछता है कि ये रास्ते में है कहीं ऑस्ट्रेलिया टेरेंटी के। तो जब ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी से पीछे से पुलिस आ जाती है वहाँ की लोकल और उन्हें घेर लेती है और बोलती है पीछे देखो पीछे। इस पर बोलती है कि खड़े करो अपने अपने हाथ, और आता है एक और नया कैरेक्टर जो उनका ऑफिसर होता है, घोड़े पे चल के आता है ना, घोड़े पे बैठ के आता है मतलब। तो यहाँ पे डच उसे झूठ बोल देता है कि मेरा नाम तो है। फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो बोलता है कि हम यहाँ पे प्राण मराना चाहता हूँ, आप फूल का झंडा टांग के यहाँ आए हो मेरे गाँव में। और इसके बाद वो बताता है अपनी सारी दुख भरी कहानी और बोलता है कि चलो जी तुम्हें लेके चलेंगे। पैरों में बंधन है, पैरों में बंधन। रास्ते में चलते चलते अचानक से बड़ी जोर की आवाज होती है। आर्थर फटाफट से अपने आप को फ्री करता है गन लेके और राड़ा शुरू। तो खैर इस झगड़े के बाद डच सबको पूछता है और लॉन्डो ठीक हो, इस पर जबरदस्त बोलता है अरे माँ चुदी पर, और पीछे से तभी बहुत सारी आवाज आती है। से बोलता है गॉड अब हम कहाँ जाएं, तभी कालिया जी पीछे से आवाज लगाते हैं और बोलते हैं run, bitch, run! जब ये लोग भाग ही रहे होते हैं तब जर्विस को एक गोली लग जाती है। जर्विस नीचे जमीन पे लेट जाता है और बोलता है जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। कालिया जी इनको गोलियां बंदूक के सब दे देते हैं और रड़ा वापस शुरू हो जाता है। खैर राड़े के बाद ये लोग उन्हें मार के भगा देते हैं और रिपोर्ट्समैन भाग जाती है। सो राड़े के बाद जंगल में जाते हुए हमारे लॉन्ड हमारा कालिया जी और डच एक दूसरे से बातचीत करते हैं, क्योंकि डच की जान अभी कालिया जी ने बचाई थी। तो वो लोग एक दूसरे से बाउंडिंग करते हैं। यहाँ पे डच उसे सच्चे से अपना नाम बताता है प्लस अपने लॉन्डो का, और उसे बताता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया, मतलब वही सब रंडी रोना। कालिया जी का जो रियल नेम होता है वो क्यूल फोन्टेन होता है, ये याद रखना HF, क्योंकि बाद में फिर ये 10th के एग्जाम में आएगा। कुछ भी लियोन नाम के बंदे के लिए काम करता है, जो कि मतलब यहाँ पे जो हरक्यूल है वो बेसिकली एक स्मगलर है, और वो कर्नल फुसार के पीछे से लेके जाता है और लेके आता है, और प्लस वो यहाँ पे जो स्लेव्स हैं, जैसे यहाँ पे प्लांटेशंस होते हैं तो यहाँ पे काफी सारे स्लेव्स हैं, वहाँ पे आने जाने के लिए एक बोट भी प्रोवाइड कर सकता है डच को। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि हम लोग यहाँ पे फंसे हैं, तो डच यहाँ पे इससे एक डील करता है कि एक बोट के पीछे ये पूरे उन वर्कर्स को बचाएगा जो भी इन लोगों के कर्नल फुसार ने जिन्हें बंदी बना के रखा है उन्हें छुड़वाएगा। तो इस डील के अकॉर्डिंग, और दूसरा इनकी एक डील और होती है कि ये अपना जेवरेस को निकालना है, क्योंकि जेवरेस को गोली लगी थी याद है वो सिमरन वाला। यहाँ पे जो HF होता है वो यहाँ पे इन लोगों को एक ओल्ड फोर्ट दिखाता है जिसका नाम होता है सिलिको टोरेस फोर्ट, जो कि पुराना फोर्ट होता है और वो यही से यूज करता है एज अ हाइड आउट। तो ये चीज़ याद रखना क्योंकि यही हमारे एग्जाम का हॉल होने वाला है।
अबे लौड़े अपना काम कर। मूविंग फॉरवर्ड तो यहाँ पे इसको हरक्यूल बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पे तुम लोग आराम कर सकते हो। और इसके बाद और डच बोलता है कि और फाइनली ये लोग सब सोने को जाते हैं और डच सबको बोलता है कि वॉइस आर्थर को सपना आता है। I've come to talk with you again. Bitch, what the fuck? What the fuck? यहाँ पे जायरस को बचाने के लिए डच के पास अगले दिन आर्थर जाता है और आर्थर जैसे ही जाता है वहाँ पे वो जाके बोलता है तो डच उसको बताता है कि उसे वो केव मिल गई है जो क्यूल ने उसे कल बताया था उस केव के बारे में। और उसे साथ के साथ एक औरत भी मिलती है, मतलब एक बट वो बुड्ढी थोड़ी सी ग्रीडी होती है और इसको सिर्फ पैसे से मतलब होता है और एक पैसा पैसा चला के आती है। और डच इसको अपनी जेब का वो आखिरी गोल्ड का बार दे देता है जो इसके पास होता है, जो लास्ट रॉबरी में से बचा होता है, जैसे कि रॉबरी हुई थी और उसके बाद जो तमाशा हुआ था उसके बाद तो लूट ऑलमोस्ट जा चुकी थी, खाली हाथ थे। तो डच के पास ये लास्ट गोल्ड वो बच जाता है, बार बच जाता है और ये इसको दे देता है ताकि ये इसको रास्ता दिखाए वहाँ तक जहाँ पे जर्विस कैद है। फूसा की कैद से निकालने के लिए उसे ये लोग जा रहे हो तो वो लोग एक पॉइंट पे पहुँचते हैं। वहाँ पे वो बुड्ढी को बोलता है कि क्या तुम इससे आगे हमें ले जा सकते हो, इससे आगे रास्ता मतलब दिखाने के लिए बोलता है ताकि वो सेफ साइड पे जा सके। बट यहाँ पे बुड्ढी थोड़ी सी और लालची हो जाती है गोल्ड बार देख के, तो ज़्यादा ही लालची होती है। तो बुड्ढी इज लाइक तो उसको इस बात पर इतना गुस्सा आता है कि वो बुड्ढी का टेटवा दबा देता है एक बार में। यहाँ पर आर्थर और डच में अनबन हो जाती है बट फिर भी वो लोग जर्विस को बचाने के साथ ही जा रहे होते हैं। फासा के आदमी जो होते हैं वो जर्विस को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं, गधे पे बांध के घुमा रहे होते हैं। और वहीं पे फिर डच प्लान बनाता है कि वो हमेशा से चोरी करने के लिए एक ध्यान भटकाने वाली चीज करता था, वही वो प्लान सेम प्लान रखता है और वो उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इस बार वो थोड़े बंदे अपने साइलेंटली मार देता है उनके कुछ लोगों को और मारने के बाद बॉडीज को बुश में छुपा देते हैं, शुगर रिफाइनरी में जाते हैं जहाँ पे शुगर वगैरह निकालते थे और वो लोग उसे पूरा सा सेट कर देते हैं जलाने के लिए ताकि ये जैसे ही यहाँ से निकलते हैं ताकि वहाँ धमाका और सब लोग डाइवर्ट हो जाए वहाँ की तरफ। और धमाका होते ही ये लोग लड़ा शुरू कर देते हैं और इस चीज का फायदा उठा के काफी बंदों को आर्थर मारता जाता है और जर्विस को डच उठा के भागता है। और पता नहीं किसी कारण से रास्ते में जाता जाता डच आर्थर को गलियार रहा होता है। आर्थर जो होता है वो ज्यादा ज्यादा राड़े में से निकलता भागता इसी तरह डच को बचा रहा होता है ताकि डच जर्विस को लेके प्रॉपर अपने दोस्तों के पास ले जा सके। तो खेतों में से भाग के ये लोग एक रिवर को क्रॉस करते हैं जहाँ से क्रॉस करने के बाद आर्थर यहाँ पे रुक जाता है और डच जर्विस को लेके भाग जाता है हाइड आउट में। और के बाद आर्थर खूब फाइट करता है, मतलब फिर से राड़ा होता है। और इस राड़े में फाइनली हमारा लौंडा आर्थर जीत जाता है और वो चारों तरफ देख के यहाँ से भाग लेता है, जैसे कि अब मैं भागने वाला हूँ क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ। और प्लीज तुम लोग कहाँ जा रहे हो, यहाँ तक अगर वीडियो देखे सब्सक्राइब करे वगैरह मत जाना। एनीवेज यहाँ तक देख लियो तो प्लीज थोड़ी इज्जत दे लेना और ये कुछ नया ट्राई किया है चैनल के साथ, तो अगर अच्छा लगा है फॉर्मेट तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर भी कर ही देना। मैं जाके मरता हूँ तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ सो एनीवेज गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.